हाँ जी विजय मान, विजय मान जी आप यहीं रहते हैं? गांव से ही। आप गांव से ही हैं? तो क्या हुआ था कल आपको जो बताएंगे? लगभग 4 बजे के आसपास से शॉर्ट सर्किट हुआ था। हाँ हाँ। 4 तक मैसेज आया था मुझका ग्राम सभा संगठन एक सामाजिक संगठन। अच्छा। उसमें कैसे वीडियो आई है तो उसमें वीडियो आते ही अब यहाँ पे मौके पे कैसे पहुँचे हैं गाँव वाले आस पास के दुकानों वाले। हाँ हाँ। रस्सों की मदद ली गई, मशीन मंगाई गई और यहाँ पे सभा से मीडिया लगा रखी थी वीडियो। हाँ हाँ। निकालना अच्छा तो जो सीढ़ी से निकाला आपने निकाला था उनको? हाँ जी सभी लोग। हाँ जी अच्छा अच्छा तो सबने उनको निकाला फिर आगे से शीशे वगैरह तोड़ के। कितने लोगों को रेस्क्यू किया आपने? लगभग 50 से 100 के बीच में था। अच्छा। अच्छा अच्छा तो कितने लोग फंस गए थे आप कुछ जो आप निकाल नहीं पाए? इनके आदमी मतलब यहाँ अंदर के बता रहे हैं 270 के आसपास। 270 के करीब लेकिन बॉडीज तो 27 के करीब ही मिली हैं। देखो आंकड़े क्या है मतलब अंदर का भी उन्होंने पूरा वो दिया नहीं है। अच्छा कैसे क्या रहा? हाँ जी लगभग देश के आसपास या देश से ज्यादा आदमी को रेस्क्यू किया गया। अच्छा अच्छा हाँ तो तकरीबन मतलब फर्स्ट फ्लोर से भी कुछ आया सेकंड से गया। ये यहाँ पे एसी लगे हुए थे। अच्छा वीडियो तो कैसे आग लगी कुछ बताया आपको? शॉर्ट सर्किट का बताया जा रहा है। ये जनरेटर से जलाया शायद उसकी वजह से हुआ कुछ। अच्छा अच्छा सर ये लाल डोरा की जमीन है तो यहाँ पे तो अलाउड नहीं है ना ये कमर्शियल? हाँ जी हाँ जी। अच्छा तो ये जो बिल्डिंग थी आपको जानकारी है कि ये अनऑथराइज थी सारा काम ये क्योंकि फायर की भी एनओसी वगैरह नहीं थी इनके पास? अच्छा आप निगम पार्षद हैं, क्या नाम है सर? हाँ जी हाँ जी। तो ये जो एनओसी वगैरह नहीं थी तो जिम्मेदार कौन है इसके लिए? तो ये प्रशासन की कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही है। तो इसके लिए क्या प्रयास करेंगे आप निगम पार्षद हैं सर? हाँ जी हाँ जी। बदलते वक्त के साथ बिजनेस करने का तरीका भी बदलना पड़ता है साहब। A to Z वेब इन्फोटेक सर्च कीजिए और पाइए अपनी वेबसाइट सबसे अच्छे दाम और असिस्टेंस के साथ। कॉल और व्हाट्सएप 9540809665448754436। वेबसाइट www.a2zwebinfotech.com।